राजधानी रायपुर में कांग्रेस के 20 सदस्यीय दल ने आज राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चा की और ज्ञापन दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को रोकने में सरकार नाकाम हुई, महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ रही घटनाओं को लेकर राज्यपाल से चर्चा हुई, जिस पर उन्होंने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मंगवाने और चर्चा करने की बात कही है। इसी क्रम में कलेक्टर, एसपी और विभागों के अध्यक्षों की कॉन्फ्रेंस को लेकर दीपक बैज ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार मुद्दों को उठा रही है, इसी का नतीजा है कि सरकार को कलेक्टर और एसपी को निर्देशित करना पड़ रहा है। 20 सदस्यीय दल माननीय राज्यपाल जी से मुलाकात हुई, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई और ज्ञापन भी दिए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को सरकार रोकने में नाकाम हुई, नंबर 3 की महिला सुरक्षा को लेकर भी जिस तरह से प्रदेश में लगातार बढ़ रही है घटनाएं, इसको भी लेकर माननीय राज्यपाल जी से चर्चाएं हुई और ज्ञापन भी दिए और चर्चा भी की। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मंगवाने और चर्चा करने की उन्होंने बात कही।